इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू बीबी न्यूज। दिग्गज उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा अपने व्यवहार के लिए लोगों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं। विनम्र स्वभाव और अपने कर्मचारियों के प्रति आदर का भाव रखना ही रतन टाटा की पहचान है। ऐसा ही एक दिलचस्प वाकया एक बार फिर से देखने को मिला। दरअसल रतन टाटा अपने एक पूर्व कर्मचारी से मिलने के लिए मुंबई से पुणे गए। लिंक्डइन पर जारी किए गए एक पोस्ट के अनुसार 83 वर्षीय रतन टाटा पिछले 2 वर्षों से बीमार चल रहे अपने पूर्व कर्मचारी से मिलने के लिए मुंबई से पुणे पहुंच गए और इसी दौरान रतन टाटा ने कर्मचारी के पूरे परिवार के खर्च को उठाने का वायदा भी किया, साथ ही बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य में भी आर्थिक सहयोग देने का वादा किया। मुंबई में हुए 26/11 हमले में प्रभावित होने वाले करीब 80 कर्मचारियों के परिवार से मिलने टाटा उनके घर पर गए थे, साथ ही उनके पूरे खर्च को भी उठाने का वादा किया था। पुणे में अपने कर्मचारी से मिलने जाने की सूचना रतन टाटा ने किसी को नहीं दी, यहां तक कि मीडिया को भी नहीं, और इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। वैसे भी बिना धूमधाम के और बिना प्रचारित किए हुए काम करना रतन टाटा की शैली रही है। इससे पहले कोरोना वायरस के दौरान उद्योग जगत में कर्मचारियों पर हो रही छटनी को लेकर टाटा ने कहा था कि भारतीय कॉरपोरेट जगत में हमदर्दी का अभाव है। उद्योग जगत के दिग्गजों को उन्होंने छटनी ना करने का आग्रह करते हुए कहा था कि वो लोग हैं जिन्होंने आपके लिए जिंदगी भर काम किया है, लेकिन थोड़ी बारिश क्या हुई, आपने उन्हें बाहर ही कर दिया। क्या यही आपके मूल्यों की परिभाषा है? FICC पुरस्कार पाने वाले टाटा के बैचलर रतन टाटा जीते हैं बेहद सादगी भरी जिंदगी। CD, किताबें और पेट्स के साथ वो अपना क्वालिटी टाइम बिताते हैं। 1962 में टाटा समूह के साथ अपना करियर शुरू करने वाले रतन टाटा 1991 में ही समूह के अध्यक्ष बन गए थे। रतन टाटा के रहते ही टाटा समूह ने जैगुआर और कोरस जैसी कंपनियों का अधिग्रहण भी किया है और इसी के अलावा नैनो जैसी लकटकिया कार बनाकर उन्होंने आम आदमी का कार का सपना भी साकार किया। रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा गया है। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की खबरें पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।